हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया हो गए, मजे में हो गए। सो फाइनली गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ Duke 390। सो गाइज, आज मैं इसमें बताऊंगा आपको, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करवाया स्टेप बाय स्टेप हमने। इसमें प्रोडिक्स भी इंस्टॉल करा है, एआर का एग्जॉस्ट भी इंस्टॉल करा है और ये प्रोटेक्टर भी डाला है। मैं गिर गया तो आपको पता है, वीडियो आपने देखा होगा। ये अभी चेक करो, अभी तक अभी गाँव भरे नहीं है, फिर भी अभी वीडियो तो बनाना पड़ेगा। तो आपके लिए वीडियो बनाने के लिए आ चुका हूँ मैं अभी वापस से अपनी गाँव के एक लोकेशन पे। सो मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ है। सो गाइज, अभी बात करता हूँ प्रोटेक्टर का। सो गाइज, ये प्रोटेक्टर मेरे आरएस में थे, आपने देखा होगा। सो मैं गिर गया था अभी, तो वो बैंड हो गए थे, मैंने आरएस में से हटाई दिया क्योंकि यही मेरे पेट में घुस गया था, उसकी वजह से मुझे लीवर में प्रॉब्लम हुआ था। सो इसकी वजह से मैंने निकाल दिए, तो छोटे वाले भाई ने ये ड्यूक में डाल दिए। और उसके बाद गाइज, हमने एग्जॉस्ट भी डाला है एआर का, ये चेक करो गाइज। और इसमें बैंड पाइप भी जुगाड़ से लगाया गाइज। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना आपको, इतना ही बैंड पाइप है और इतने से इतना हमने वेल्डिंग करके जुगाड़ कराया गाइस। इसका साउंड भी मैं आपको सुनाऊंगा। और एक चक्कर प्रोडिक्स चेक करो गाइस, प्रोडिक्स घर पे बनाइए गाइस। ये जो मेटल प्लेट आती है ना गाइस, जो मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लगती है साइड साइड पे, उससे बनाई गई है घर पे। सो मैं आपको बताऊंगा वो इसका भी प्रोसेस कैसे हमने बनाई है। और गाइस, आपको प्रोडिक्स कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लाइट की बात करता हूँ तो इसमें हमने ब्लैक फिल्म चढ़वाई है, इसमें नॉर्मली लुक के लिए ब्लैक में, थोड़े ब्लैक एडिशन में थोड़ा। सो अभी उसका साउंड सुना था मैं आपको, एक बार साउंड भी चेक करो आप गाइस। अभी बाइक पहले न्यूट्रल करनी पड़ेगी और न्यूट्रल करते करते मेरे नाक में दम हो जाएगा। हाँ, हो गई गाइस, पहले ट्राई में हो गई गाइस, इस बार तो आपको साउंड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मुझे तो बहुत सॉफ्ट साउंड लगता है, ना ज्यादा लगता है ना कम लगता है, मीडियम है, किसी को दिक्कत नहीं दे वैसा। सो गाइज, मुझे तो साउंड एक नंबर लगता है। सो गाइज, अभी मैं हेलमेट लगा देता हूँ, अभी ट्राई मारेंगे 0 to 100 कितने टाइम में चली जाती है ये। सो गाइज, ग्लव्स भी लगा लेता हूँ, बाय चांस गिर गया, एक बार तो हाथ छीला है, दूसरी बार हाथ नहीं छीलूंगा। तो गाइस, अभी ट्राई करते हैं 0 to 100। गाइस, ये रास्ते में नहीं जा पाएंगे भाई, ये तो विली उड़ जा रही है इससे, इसके साथ मेरा रेस नहीं हो पाएगा। चलो गाइस, एक बार वापस से 100 भगाने की ट्राई करता हूँ। तो गाइस, वापस से एक बार ट्राई मारता हूँ, चली गई तो ठीक है। सो गाइस, मेरी तो फटके हाथ में आ गई थी, आपने वीडियो में देखा होगा, आगे का चक्का उठ गया था, इसमें इतना पावर है। मेरे बस की तो नहीं है, इसीलिए मैं ये ज़्यादा तक यूज़ नहीं करता, मेरी आर एस ही यूज़ करता हूँ। लेकिन कभी कभी वीडियो शूट करने के लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ, बाकी तो मुझे ये चला नहीं पाता मैं, क्योंकि उसमें इतना पिकअप है कि मेरी फटके हाथ में आ जाती है, सीधा मैं आपको बोल देता हूँ, मेरी फटके हाथ में आ जाती है। सो मैं इसको नहीं चला पाता। और गाइस, ये 0 to 100 गई थी लेकिन, और ये रास्ता आप चेक करो गाइस, पीछे का पीछे ये रास्ता, ये तनबन वाला रास्ता है। सो गाइस, इसमें तो 0 to 100 नहीं भगा सकता। सो इसकी वजह से फिर भी मैंने ट्राई मारा आपके लिए 0 to 100, पीछे एक बंदा को बिठा के। मैं माउंट आज भूल गया था गाइस, तो इसकी वजह से माउंट में इंस्टॉल नहीं कर पाया। सो अभी आपको जैसा भी क्लिप देखा, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि गाइस मेरी तो धक 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 हो रही थी मुझे तो। सो गाइस, अभी मैं आपको बताता हूँ प्रोडिक्स हमने घर पे कैसे बनाई। सो एल्यूमिनियम का शीट आता है जो डबल कोटिंग में आता है, बीच में वो रबर वाला जो कोटिंग आता है ना, वो वाला शीट से हमने बनाई है घर पे। उसमें कैसा किया था गाइस, कि हमने एक कार्डबोर्ड लिया था, कार्डबोर्ड को टायर के व्हील बेस पे माप के फिर उसको कट करा था, और उसके बाद प्रोडिक्स है उसका मार्किंग किया था। उसके बाद हमने किधर गैरेज वाले के पास जाके, हमारे नज़दीक में जो गैरेज है उसके पास जाके उसको कटिंग करवाया था, ब्लेडिंग वाले से, जो ऐसा मशीन आता ना कटिंग करने वाला, उससे कट करवाया था। फिर उसके बाद इसमें 3 होल मारा था और फिर उसमें लगाया था,
लंबा प्रोसेस था गाइस, लेकिन करने में बहुत मजा आया। ये करीबन मुझे पड़ गया, उसका बजट में आपको बोलूँ ना 300 रुपये में काम हो गया मेरा गाइस, जिससे ज़्यादा मेरा पैसा नहीं लगा। और गाइस जो ये जो नाम देख रहे हो आप KTM क्लब है, दूसरी साइड विवेक ब्लॉग है, KTM क्लब भी अपने ही आईडी है, उस पर 10K होने वाला है गाइस। और आप वीडियो देख रहे हो तो उस पर जाके भी सपोर्ट कर देना गाइस, 10K कंप्लीट करवा दो जल्दी से, 9400 कुछ हो चुका है, सो 10K कंप्लीट करवा दो। और गाइस ये प्रोडक्ट्स में ऊपर लिखवाने के लिए खाली उसका 400 रुपया ले लिया। अभी आप सोचो प्रोडक्ट से ज़्यादा तो महंगा मेरे को लिखवाना पड़ गया। और गाइस आप सस्ते में बना सकते हो, आपके पास ऐसा सीट रहे तो आप टायर का व्हील बेस का मार्किंग करके आप आराम से आपके आजू बाजू में गैरेज वाला तो होगा ही, लकड़ी वाला भी होगा ही जो काटता है, तो उसके पास व्हील बेस मैप करके उसको बराबर प्रॉपर रख के आप सीट से कट करवा सकते हो। और आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया तो अभी नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊँगा, RS का जब भी बनाऊँगा ना गाइस तभी मैं आपको बताऊँगा सो कैसा मतलब बनता है, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। गाइज आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, और साथ साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि मेरे हर एक ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।